अस्सलाम वालेकुम आई फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको इसी तरह से खुश और आबाद रखे। इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, या आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करते चलूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू आने वाली तमाम वीडियोस आप लोगों को टाइमली मिल जाए। अच्छा जी, आज हम कैस्टर ऑयल के बारे में बात करते हैं। इससे जो है बालों की ग्रोथ किस तरह से डबल से ट्रिपल हो जाती है, बाल किस तरह से घने हो जाते हैं, और मैंने इसको खुद से भी यूज़ किया है। ये मेरा मोस्ट फेवरेट ऑयल है और इसको मैंने अपनी आई लैशेज पर भी यूज़ किया हुआ है, मैंने इसको अपने हेयर्स पे भी यूज़ किया हुआ है। लेकिन आजकल जो है मैंने यूज़ नहीं किया हुआ था, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं मेरे बाल किस तरह से हो रहे हैं। लेकिन अब मैंने इसको फिर से इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। मैं इसको भी बराबर मकदार में लेती हूँ, नारियल का तेल और साथ में कैस्टर ऑयल दोनों को मैं मिक्स करती हूँ बराबर बराबर मकदार में। जैसे कि अगर मैंने 2 चम्मच कैस्टर ऑयल दिया है तो साथ ही मैं 2 चम्मच जो है वो नारियल का तेल लूँगी। उसके बाद मैं इसको नीम गर्म करूँगी चूल्हे पे रख के, ठीक है। उसके बाद इसको मैं रूम टेम्परेचर पे ले आऊँगी और फिर मैं इसको चाहो तो मैं इसको एलोवेरा जेल के साथ यूज़ करूँ, चाहो तो इसको मैं ऐसे भी यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ज़्यादा होती है ना, मतलब बहुत ज़्यादा थिक होता है, तो ये ना मतलब ऐसे ही इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, वरना बालों से वॉश करना बहुत ही मुश्किल या नामुमकिन हो जाता है। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे अपने बालों पे अप्लाई किया है सबसे पहले एलोवेरा जेल। इससे जो है मेरे बाल बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाते हैं और जो नीचे से 2 मुए हो रहे होते हैं और रफ डल हो रहे होते हैं वो भी सब ना ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब मैं वॉश करती हूँ ना, तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं अच्छे से अपने बालों में कॉम्ब करूँ, उसके बाद मैं इनको वॉश करूँ, क्योंकि इससे जो होते हैं ना बाल टूटते कम हैं, ठीक है। तो आपने भी इन बातों को ज़रूर मद्देनज़र रखना है और उसके बाद आपने जो है वह अप्लाई करना है। यहाँ मैं आप लोगों को फिर से रिमाइंड करवा दूँ कि अगर आप मेरे चैनल पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाए ताकि न्यू आने वाली तमाम वीडियोस आप लोगों को टाइमली मिल सकें, ठीक है। मैं बेसिकली जो है वो हेयर ग्रोथ पे, हेयर केयर रूटीन पे वीडियोज़ बनाती रहती हूँ, और चैनल सब्सक्राइब करने का आपको यही फ़ायदा होगा कि बहुत सारी जो है आप लोगों को हेयर मास्क, प्रोटीन मास्क, ट्रिक्स वगैरह जो है वो मिल जाएंगी, ठीक है। हेयर ग्रोथ आपकी बूस्ट हो जाएगी। अच्छा जी, तो हम कैस्टर ऑयल की बात कर रहे थे। कैस्टर ऑयल जो है वो बालों को लंबा, घना और मजबूत बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। मैं ये वाली आजकल एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी कंपनी की बाय कर सकती हैं और उसको यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर इतनी सी कंसिस्टेंसी ली है क्योंकि यहाँ पर मैं जस्ट आप लोगों को डेमो दे रही हूँ और मैं इसको अपने हाथों पे अप्लाई कर रही हूँ, उसके बाद मैं इसको अपने बालों में अप्लाई करूँगी। बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, आप लोग ये भी इस्तेमाल करके देखिएगा, बहुत अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। जब आपके पास कुछ भी ना हो, कुछ कोई ऑयल आपके पास मौजूद नहीं है, तो आप ये वाला ये एलोवेरा जेल जो है इसको घर पर रखें और इसको अप्लाई करें। इसका एक और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है ना कि अगर आपके कहीं जल जाए हाथ वगैरह कुकिंग करते हुए, आप ये वाली एलोवेरा जेल लगाएं तो बहुत सूथिंग का एहसास होता है, ठंडक का। अगर इसको आप फ्रिज में रखे ना तो और ज़्यादा मतलब आपको ना ठंडक का एहसास वगैरह होता है, तो बहुत अच्छी रहती है, ठीक है। तो यहाँ मैं अपने बालों में अप्लाई कर रही हूँ, वो आप देखिएगा, ठीक है। वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि पूरी जो रेमेडी है वो आप लोगों को पता लग जाए। अच्छा जी, आपने इसका जो इस्तेमाल है वो 21 डेज तक लाजमी करना है, और ट्राई करें कि इसको रात के टाइम पे अप्लाई करें, क्योंकि रात को आपने कहीं जाना नहीं होता है, जस्ट रेस्ट करना होता है, तो अच्छे से जो है उनको बालों को नरिश करने का टाइम मिल जाता है। इसको अपने मतलब आप बेड के पास रखें और इसको अपने हेयर के जो नाइट केयर रूटीन है उसमें शामिल कर लें, इसके आपको ज़रूर फ़ायदे मिलेंगे। मतलब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लो ना कि ये मेरा सबसे मोस्ट फेवरेट ऑयल है, कैस्टर ऑयल जो है। मेरी लैशेज़ माशाल्लाह बहुत लंबी हैं, जब मैं उनके ऊपर मस्कारा अप्लाई करती हूँ ना, तो मुझे अक्सर इतने प्यारे कमेंट्स मिलते हैं कि आपने फेक लैशेज लगाई हुई हैं, आपने मतलब ये आपकी रियल नहीं लगती हैं। लेकिन मैंने मतलब उन पर थोड़ी सी मेहनत इंसान करे तो फिर रिज़ल्ट जो है वो ज़रूर मिलता है। मैं क्या करती थी ना, मैं रात को सोते हुए जो है कैस्टर ऑयल अपनी लैशेज़ पर लगा के सोती थी, अपनी आईब्रोज पे लगाती थी, तो इसी तरह से हेयर्स पे भी लगाएं। तो मिलती हूँ न्यू वाली वीडियो में, टेक केयर एंड अल्लाह।